तब मैं गया था ना कश्मीर में, तब लोग जाते थे वो अमरनाथ की यात्रा के लिए, कितने लोग थे उस टाइम पे? 85,000। ठीक है, आज कितने हैं वहाँ पर? 5 लाख के ऊपर जाते हर साल। पीएम मोदी 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं, शिलान्यास करने वाले हैं। जरूरत है प्रधानमंत्री मोदी एम्स जम्मू, आईआईटी जम्मू, आईआईएम जम्मू को भी राष्ट्र को समर्पित कर। किस तरफ कश्मीर में ज्यादा डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, तरक्की याफ्ता काम हो रहे हैं, हमारी तरफ या फिर हिंदुस्तान? प्रधानमंत्री जी द्वारा जम्मू कश्मीर में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 220 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी एक लीडर है, वो अपनी पॉलिसी के तहत जा रहा है, वो कश्मीर को जितना उसने ऊपर कब्जा करना था उसने कर लिया। कश्मीर को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात भी देने वाले हैं। नहीं, खुदा के फजल से तो हमारे कश्मीर भी किसी से कम नहीं है। अच्छा। और वहाँ पर बेहतरीन काम चल रहे हैं। कौन कौन से काम चल रहे हैं जरा बताएं ऑडियंस को। कोई कारोबार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट ये पाकिस्तान को नहीं संभालते, कश्मीर को क्या संभालेगी? ये सजा के उनके हवाले कर दे, इंडिया के हवाले कर दो कश्मीर। इस तरह ही है वो देखभाल कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं वो अपनी तरफ कर रहे हैं, तो हमारी तो ये कैसे करेंगे? बिल्कुल इनको कोई ऐसा कोई कारोबार नहीं है उधर, बिल्कुल जीरो है ये। ये भारतीय जनता पार्टी के काम किए हुए, इसीलिए लोग दूर दराज से बर्फबारी से चलकर यहाँ पहुँचे हैं जम्मू में। ये नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे काम किए हैं कि उनके लिए देश का पूरा जितना भी युवा है, यूथ है, वो मोदी जी के लिए तैयार है। ये पाकिस्तान आप देखें, इधर कितने दिनों इलेक्शन हुए, आज तक हुकूमत नहीं मान सकी, इसका अपना ख्याल नहीं करते, उनका हमारा ख्याल क्या करेंगे? ये बुलेट ट्रेन कश्मीर में अगले चलाने को तैयार थे, लेकिन हमारे बगैरत सियासतदानों की वजह से वो बुलेट ट्रेन नहीं चला सके। फ्री कश्मीर में बिजली होनी चाहिए, जबकि कश्मीर बिजली दे रहा है लेकिन खुद कमर्शियल ले रहा है, खुद ले रहा है, ठीक है, जबकि उसको नहीं लेना चाहिए। वो काकर साहब है, वो केकड़ा है, काकर साहब नहीं है। वो लोग दहशतगर्दी नहीं, हम लोग दहशतगर्दी हैं, हम लोग मजहबी फिरका में बटे हुए। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कल प्रधानमंत्री मोदी जी कश्मीर दौरे पर थे, उन्होंने कश्मीर को बहुत ही बड़ी सौगात दी है। 32,000 करोड़ रुपए की सौगात मोदी जी ने वहां पर दी है। वहां पर मेडिकल फैसिलिटी के लिए आपका एम्स बनेगा, आईआईटी आईआईएम जो कि युवाओं के लिए मतलब एजुकेशन के रास्ते खोले जाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के लिए पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात उन्होंने दी है। टोटल 32,000 करोड़ रुपए का इसमें अनुदान जो है मोदी जी की तरफ से उसमें किया है। और आपने क्लिप्स के अंदर देखा भी होगा अब किस तरीके से जो पाकिस्तानी मीडिया है, पाकिस्तान की आवाम है, उसको भी, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जब उन्हें पता चलता है कि आज़ाद कश्मीर में यानी कि जो भारत साइड वाला कश्मीर है उसमें किस किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ये सब कुछ जब वो लोग देखते हैं तो उनका खून खोल उठता है। वो अपनी सरकार को गाली देने लगते हैं, जो सही लोग हैं, जो कि आपने क्लिप्स में भी देखा होगा। बाकी कुछ जाहिल भी हैं जो कहते हैं कि हमारे जो POK जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है उसमें भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अब पाकिस्तानी आवाम किस तरीके की बातें कर रही है, क्या उनका रिएक्शन है इस 32,000 करोड़ रुपए पर, और भारत सरकार मोदी जी के लिए उनका क्या कहना है, जो भारत की तरफ कश्मीर है उसके क्या कहना है उसके लिए, तो सब कुछ इस वीडियो में मेंशन किया गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 20 जनवरी जिसका बहुत शिद्दत से कश्मीरियों को इंतजार था वो दिन आ गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आर्टिकल के बाद 370 के हटने के बाद बहुत बड़ा जलसा किया कश्मीर के अंदर, कश्मीरी आवाम से बात की, 32,000 करोड़ के सीरीज ऑफ डेवलपमेंट का प्रोग्राम का आगाज किया जिसमें बहुत से प्रोग्राम्स हैं, रेलवे है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, और इसके साथ साथ 1500 अपॉइंटमेंट लेटर्स भी कश्मीरियों को दिए। कश्मीरी बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनके लिए ज़िंदगी की एक नई उम्मीद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस विजिट के बाद नज़र आने लगी। सर सबसे पहले आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट जो जम्मू एंड कश्मीर में किया और 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से डेवलपमेंट सीरीज का आगाज किया, एज अ कश्मीरी दोस्तों मैं बता दी चलूँ ये कश्मीर से है, आज़ाद एंड कश्मीर से है, आप क्या कहेंगे? उस तरफ हो रही है लेकिन इस तरफ नहीं हो रही, इंडिया के कश्मीर में हो रही है, इंडिया के कश्मीर हो रही है लेकिन पाकिस्तान के कश्मीर में नहीं है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की मुलाजमों को तनख्वाही नहीं दी जा रही उनके लिए, देखो हमारी हुकूमत बिल्कुल फेक है, कुछ नहीं कर रही, फेक गवर्नमेंट है, फेक गवर्नमेंट है। सर 5 फरवरी को नारा लगाते हैं कश्मीर कश्मीर, क्या मिलता है आपको मुझे ये बताएं? पूरे साल में एक ही दिन होता है कश्मीर डे 5 फरवरी, वो नारे के हक तक है कि नारा लगाते हैं और काम बिल्कुल जीरो है। हाँ
और उसके अलावा आप देखें अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन को कितने दिन हो गए, अभी तक हुकूमत बनी है। आप कश्मीर से हो, पाकिस्तान कहता है कि हमने अपने कश्मीर को आजादी दे रखी है। आजादी कोई नहीं है, ये सारा सारा फेक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी इलेक्शन हुआ है उसके बाद अभी तक हुकूमत नहीं बनी, क्या आजादी देंगे किसी को? अपने हक की बात करी पाकिस्तान की, कश्मीर के पास अपना वजीर आजम है, कश्मीर के पास अपना झंडा है। जो पाकिस्तानी वो अपने हक की बात नहीं कर सकते, कश्मीर की बात क्या करेंगे? ये ऐसी बात नहीं है, ये सरासर झूठ है, कोई ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सब ऐसे ड्रामेबाजी है। सर उधर का कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है, आपके बच्चे भी देखते होंगे, तो आपसे क्या सवाल करते हैं? उधर के कर रहे हैं ना, इधर के भी करें ना, ये गवर्नमेंट भी करे ना, इनको कश्मीरियों को रिलीफ दे कोई, ये तो बिल्कुल ही सरासर जायजी है। ये बात सही है, उधर क्या मोदी कर रहा है, वो दे रहा है सब, इधर तो तनखाई मुलाजमों को दे रही जा रही गवर्नमेंट में, आर्मी को भी नहीं दी जा रही है, उसके बाद जो एजुकेशन है उसको नहीं दी जा रही, ये कैसी कौन सी नासाबी है? बिल्कुल नहीं है। आप पाकिस्तान के साथ रह के पाकिस्तान आपका ख्याल नहीं रख रहा? बिल्कुल नहीं रख रहा, बिल्कुल नहीं रख रहा, हम साफ कहते हैं नहीं रख रहा, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे हड़तालें अभी भी, जिला बाग है, थुब का रहने वाला हूँ मैं, बाग से हूँ, जिला थुब है हमारा, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट ये पाकिस्तान को नहीं संभालते, कश्मीर को क्या संभालेगी? ये सिला के उनके हवाले कर दे, इंडिया के हवाले कर दो कश्मीर, इस तरह ही है, वो देखभाल कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं, वो अपनी तरफ कर रहे हैं, तो हमारी तो ये कैसे करेंगे? बिल्कुल इनको कोई ऐसा कोई नहीं, कारोबार नहीं है उधर, बिल्कुल जीरो है, ये हुकूमत जीरो है, ये पाकिस्तान आप देखें इधर कितने दिनों इलेक्शन हुए, आज तक हुकूमत नहीं मान सकी, इसका अपना ख्याल नहीं करते, उनका हमारा ख्याल क्या करेंगे? ये बिल्कुल जीरो है, आप ये करें इधर की हुकूमत का ख्याल करें, हमें छोड़ दें अपने हाल पे। आप कह रहे हो कि पाकिस्तानी अपनी हुकूमत और अपने पाकिस्तान का ख्याल रखे, कश्मीर को छोड़ दे बिल्कुल। सर वो तो यूनाइटेड नेशन में धरने देते हैं कि इंडिया से कश्मीर लेना है। बातें करने से नहीं कश्मीर आजाद होगा, बातें करने से नहीं होगा, ये सिर्फ एक ही काम है, जहाद करेंगे तो कश्मीर आजाद होगा। देखिए दोस्तों, ये कश्मीर से हैं और पाकिस्तान की तरफ से देखिए कोई इनको मदद नहीं मिल रही, ये क्या करते हैं? इधर से ऐसी हुकूमत नहीं चलती, लेकिन इनको अपने पास फंड ही नहीं है देने के लिए, हम मेरा क्या ख्याल करेंगे? इनके पास अपने पास फंड नहीं है तो क्या हमें क्या करेंगे? बिल्कुल 5 फरवरी को पूरे मुल्क को छुट्टी देते हैं, 5 फरवरी को झंडा लड़ाया, छुट्टी की है, खाया पिया जैशी की और बस खत्म हो गया, इसके अलावा कोई बात ऐसी नहीं है। इंडिया का कश्मीर आजाद लग रहा है आपको या पाकिस्तान वाला? वो आजाद है हमसे ज्यादा, इंडिया का कश्मीर आजाद है, वो बेहतर है, बेहतर हमसे बेहतर है। सर आपको उधर जो तरक्की होती है दिखती है? क्योंकि अक्सर होता है आमने सामने दोनों है तो दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल दिखती है। क्या देखा आपने वहाँ पर? सारा कुछ है, तलीमी निजाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा कुछ अच्छा है, हमसे बेहतर है, बहुत अच्छा है। सही बात है, बिल्कुल राइट है, काम कर रहे हैं वो, काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। उनका ये विकसित भारत का एक उनका एक नारा लगाया कि जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है अब कश्मीर भी वैसे ग्रो करेगा, कश्मीर में हड़तालें नहीं होंगी, कश्मीर का बच्चा जाएगा और हर कश्मीरी अब खुश रहेगा, तो ये मकसद वो पूरा भी कर रहे हैं। कश्मीर का सर वहाँ पर उन्होंने नई नई चीज़ों का बुनियाद डाली, उन्होंने 32,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर कर दी है, उन्होंने IIT बनाई, उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाई, उन्होंने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे निज़ाम और सबसे ऊंची ब्रिज कश्मीर के अंदर बनाई, यूनिवर्सिटीज बनाई, क्या कहना चाहेंगे? हमारे लोग तो कहते हैं दिखावे के लिए कर रहा है। नहीं नहीं, मैं ये समझता हूँ कि हमारा और इंडिया का अगर कंपैरेटिव मुवाजना किया जाए तो इंडिया हमसे बहुत आगे इस चीज़ों में, ठीक है, और लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं वैसे मैंने आज की न्यूज़ देखी नहीं है, अगर उसने ऐसा कोई इनिशिएट लिया है तो वो तो बहुत पॉजिटिव है। वैसे भी जो है ना इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत वर्स है और इंडिया इकोनॉमी हमारे ऊपर, कल मैंने कोई उसकी किसी कार कंपनी का मैंने देखा, उसका जो बजट है हमारे टोटल टाटा कंपनी, हाँ जी टाटा कंपनी का एग्जैक्टली, उसका जो बजट है वो हमारे GDP से ज़्यादा है, उसकी एक कंपनी हमारे पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा, यानी कि $41 बिलियन हमारी इकोनॉमी के जो रिजर्व है, हमारी टोटल इकोनॉमी के जो वर्थ है, और इंडिया की जो एक कंपनी रतन टाटा कंपनी $365 बिलियन की है जी, अंदाज़ा लगाएं। नहीं नहीं, वो ऑब्वियसली मैंने कल से हिसाब लगाया कि उनकी एक कंपनी पूरे पाकिस्तान को मतलब रन कर सकती है, इन पोजिशन है, ठीक है, अभी तो एक कंपनी की बात की है तो लाखों करोड़ों का रिलायंस है, वहाँ पर मुकेश अंबानी की कंपनीज हैं, बिरला है और बहुत सारी कंपनीज वहाँ पर हैं। जी जी, मैं मेरा अगर इस पॉइंट से देखा जाए, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि उन्होंने अगर इनिशिएट लिया है कि सबसे हाईएस्ट रेलवे ट्रैक बनाया है या उन्होंने ब्रिज बनाया, तो ऑब्वियसली एशिया को तो वो बेनिफिट है, लेकिन मैं अगर कश्मीरी लोगों की बात करूँ कि हमारे साथ वो यानी कि मर्ज होना चाहे, तो मैं ये नहीं समझता कि वो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन इज़ नॉट इन एबल टू मर्ज एनी अदर पीपल्स। आपने कहा अभी कंप्लीट नहीं हुई, आपने कहा
के भाई के आपने न्यूज़ नहीं सुनी इस रिलेटेड बात, सर आपको लगता है कि हमारी मीडिया कश्मीर के रिलेटेड जो इंडिया वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ करके दिखाएगी? नहीं, ये भी क्वेश्चन मार्क है। वैसे आप ही मीडिया से बिलोंग करते हैं, ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं तो इस पर पॉइंट आउट नहीं करूँगा। अगर ऐसी बात है तो मैं, अगर आप ऑब्वियसली मीडिया से रिलेटेड हैं तो आपको उजागर करनी चाहिए। अगर मीडिया से रिलेटेड आप हैं तो पॉजिटिव चीज़ें, चाहे वो अफगानिस्तान करे, इंडिया करे, ईरान करे, जो भी हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, ऑब्वियसली वो एशिया में हैं, तो वो उन्हें प्रमोट करना चाहिए। ये 300 अभी जोन सा आर्टिकल उठाया, 375 का आर्टिकल जोन सा, जोन सा आर्टिकल उन्होंने हटाया, 375 का कॉन्स्टिट्यूशन का। हाँ जी, उन्होंने जो आर्टिकल हटाने के बाद वादा किया था नरेंद्र मोदी ने कि 2-3 साल या 4 साल के अंदर यहाँ पर मैं IIT बनाऊंगा, जो सबसे ऊंची यहाँ पर सिनेमा हॉल बनेगा, और वो सारी चीज़ें बनी और टूरिस्ट दुनिया की जिस तरह से वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो हमें तो देख कर उससे सीखना चाहिए, हमें अपने कश्मीर में फैसिलिटीज देनी चाहिए। लेकिन जब हमारे अपनी तरफ देखते हैं तो वहाँ पर आटे के लिए लाइनें लगी हैं, धरने हो रहे हैं कि भाई चीज़ें सस्ती की जाएँ, तो ये तो बरक्स, ये तो